एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे एक लबाबदार क्रीमी एक करी। सबसे पहले लेंगे हम अंडे और उसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 अंडे लिए हैं, 3 से 4 लौंग और हरी इलायची, 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन और थोड़े से काजू, और 2 बड़े टमाटर लेंगे हम। मेरे पास छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने इतने लिए हैं। इन सारे चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इसे बॉईल करेंगे, लगभग 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे एक छन्नी के हेल्प से छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे छान लिया है और जो टमाटर की स्किन होती है उसे मैंने अलग कर लिया है। अब हम इसके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। और अंडे को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है और 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक पैन, उसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 से 3 तेज पत्ते यानी बे लीफ। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे प्याज और इसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पेस्ट जो हमने बनाई थी उसे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक इसका तेल ना छूट जाए तब तक। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गरम पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अंडों को ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट तक ढककर हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कोरिएंडर यानी कोथमीर गार्निशिंग के लिए, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेटेड बॉईल एग इस तरह से, और गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। और इस तरह से एक लबाबदार क्रीमी एक करी बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़। Also follow me on Instagram. Thank you.